नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, साथ ही अपने आत्मीय जनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो, लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। मित्रों, जब हम पैदा होते हैं तो ईश्वर के द्वारा उसी समय हमें हमारे मृत्यु का निर्धारण हो जाता है। कौन व्यक्ति कहाँ पर किस माध्यम से उसकी मृत्यु होना है, ये सारी चीज़ें तय हो जाती हैं। ये बात अलग है कि हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं या हम अज्ञान रहते हैं, लेकिन विधाता के द्वारा हर चीज़ तय कर दी जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि आप रहते कहाँ कहीं हैं, मृत्यु आपकी कहीं होती है। किसी की बस दुर्घटना से हो जाती है, किसी ट्रेन के कटने से हो जाती है, किसी को जानवर खा जाता है, किसी की सर्प डसने से मृत्यु हो जाती है, किसी की हार्ट अटैक से हो जाती है, और कोई अंतिम समय पर अपने घर में ही नहीं रहता, रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यह सब पूर्व निर्धारित रहता है कि हमारी मृत्यु कब, कहाँ और कैसे होना है। एक छोटा सा प्रसंग मुझे याद आता है। प्राचीन काल की बात है, एक ब्राह्मण थे। वो भागवत करने के लिए अन्यत्र गांव में जाया करते थे। जून का महीना था, बहुत तेज धूप थी। वो अन्यत्र गांव के लिए भागवत करने के लिए जा रहे थे कि रास्ते में एक बीहड़ जंगल पड़ता था। जब वो जंगल से गुजरने लगे तो वो क्या देखते हैं कि एक वृद्ध महिला बैठी हुई है, और अचानक उसने जो है सर्प का रूप धारण कर लिया, और एक व्यक्ति वहाँ से निकला और उसने उसे काट लिया। उनके अंदर बड़ा कौतूहल हुआ, वो उसको छुप करके देखने लगे। तो थोड़ी देर के पश्चात वो क्या देखते हैं कि उस वृद्ध महिला फिर से एक सांप शेर बन गई, और शेर बन करके उसने एक व्यक्ति को खा लिया। उनका कौतूहल और बढ़ा, वो उसका पीछा करने लगे। फिर वो क्या देखते हैं कि वह वृद्ध महिला एक सुंदर युवती के रूप का रूप उसने धारण कर लिया। वहाँ से दो भाई चले आ रहे थे। उन दोनों भाइयों के पास जाकर के उसने बोला कि भाई, मैं जंगल में भटक गई हूँ और मुझे अन्यत्र गाँव जाना है, तो क्या आप मेरी मदद करेंगे, क्या मैं आपके साथ में चल सकती हूँ। दोनों ने उस युवती को देख करके स्वीकृति दे दी कि हाँ ठीक है, चल सकते हैं। जब वो युवती उनके साथ में चलने लगी, कुछ दूर जाने के पश्चात में उसने बोला कि मुझे प्यास लगी है, पानी पीना है। पानी की खोज की गई, थोड़ी दूर ही एक कुआ दिखाई दिया। बाल्टी भी रखी थी, रस्सी भी थी। तो बड़ा भाई पानी निकालने लगा, तो उस युवती ने छोटे भाई से बोला कि मैं तुझे पसंद करने लगी हूँ, लेकिन तेरे बड़े भाई के रहते हुए शादी कैसे हो सकती है, इसलिए क्यों ना अपन इसको कुएं में ढकेल दें। अब चूंकि वो युवती बहुत सुंदर थी, उस लड़के का उसके ऊपर मोह भी हो गया, मान गया। उन दोनों ने मिलकर के बड़े भाई को धक्का दे दिया, वो कुएं में जा करके गिर पड़ा। अब उस युक्ति ने बोला कि भाई, प्यास तो लगी है, पानी तो पीना है, अब तुम पानी निकालो। छोटा भाई पानी निकालने लगा, उस युक्ति ने उसको धक्का दे दिया, वो भी मर गया। अब उन पंडित जी का कौतूहल इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उनसे रहा नहीं गया। वह सुंदर युक्ति फिर से वृद्ध महिला बन करके बैठ गई। वो पंडित उनके पास में गए और दोनों हाथ जोड़ करके बोले कि हे देवी,
आप कौन हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप कभी किसी को सांप बन करके काट खाते हैं, किसी को शेर बन करके, और अभी अभी आपने दो भाइयों को एक युवती बन करके मार डाला। तो उन्होंने बोला कि अभी आपका समय नहीं आया है, अभी आप जाइए। नहीं, बोले बताइए आप कौन हैं। तो उसने बताया मैं मृत्यु हूँ। जिस व्यक्ति की मौत जिस प्रकार से लिखी होती है, मैं वही रूप धारण करके उसका अंत कर देती हूँ। तो पंडित जी ने पूछा कि भाई मेरी मृत्यु कब है और किस चीज़ से है। तो उस वृद्ध महिला ने बोला कि अभी आपका काफ़ी समय है, लेकिन फिर भी आप जिद कर रहे हैं तो मैं बता देती हूँ। आपकी अमुक तारीख को अमुक समय में अमुक माह में अमुक नक्षत्र में आपकी 9:05 पर आपकी मृत्यु एक मगर के द्वारा होगी। जब पंडित जी को पता चल गया तो उन्होंने बोला कि अब तो तुम्हारा कोई भी व्यक्ति आ जाए, तुम्हारे पिताजी भी आ जाए, तो मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि अब मुझे पता चल गया है कि मेरी मृत्यु किससे होना है। तो मैं ऐसी जगह पर जाकर रहूँगा जहाँ मगर का नामो निशान भी ना हो। वह वृद्ध महिला हंसी और उसने बोला कि जो विधाता ने लिखा है वो होकर ही रहता है, उसे कोई टाल नहीं सकता। लेकिन पंडित वहाँ से गए और उन्होंने जयपुर राजस्थान में जाकर के जहाँ पर कि पूरा रेगिस्तान था, वहाँ के राजा के यहाँ पर राजपुरोहित बन गए। राजपुरोहित बनने के पश्चात वहाँ पर अपना कार्य करने लगे। समय बीतता चला गया और जब उनका मृत्यु का समय आया तो संयोग बस ऐसा हुआ कि नर्मदा के दूसरे तरफ उस राजा के लड़के का विवाह तय हुआ। विवाह तय हुआ, बारात निकली। दूसरे दिन प्रातः 9:05 पर पंडित जी की मृत्यु मगर के द्वारा होना थी, तो उन्होंने वहाँ पर नर्मदा के इस पार अपना पंडाल वगैरह लगाया और बोले जब समय निकल जाएगा प्रातः, उसके पश्चात ही हम नर्मदा में प्रवेश करेंगे। थोड़ी देर के पश्चात एक राजा और वहाँ पर आकर के ठहर गया और उसने भी अपना पंडाल लगाया और रात्रि में आकर के इस राजा से बोला कि भाई हम अपने राजपुरोहित को नहीं ला पाए हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, और कल सुबह 9:05 पर दान करने का पुण्य करने का बहुत ही बड़ा अवसर है, तो हम आपके पुरोहित जी को जो है दान करना चाहते हैं, इससे हमें बहुत ही पुण्य की लाभ की प्राप्ति होगी और आप भी करिए उनको दान। तो उन्होंने बोला ये तो संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रातः 9:05 पर उनकी मृत्यु का योग है। बोले कोई बात नहीं है, गंगा में नर्मदा में हमें सिर्फ जल पर ही खड़े होना है, हम किनारे पर खड़े हो जाएंगे और चारों तरफ हमारे सशस्त्र सैनिक नंगी तलवार लेकर के खड़े रहेंगे और एक जाल बुन देंगे, उस जाल के अंदर मगर तो क्या मछली भी प्रवेश नहीं कर पाएगी। पंडित जी को लोभ आ गया, मान गए वो, उनके राजा ने भी स्वीकृति दे दी उस मौत रूपी राजा को। अब वहाँ पर जाल भी बन गया, लोग तैनात भी हो गए, सारी प्रक्रियाएं वहाँ पर संपन्न रातों रात हो गई। प्रातः जैसे ही 9:05 पर पंडित जी उस जाल के अंदर खड़े हुए और वह जो मौत रूपी राजा जो बन करके आया था, उसने अपना जो भी धन उन्हें देना चाहते थे वो लेकर के, और पंडित जी ने उनको संकल्प दिलाया, बस जैसे 9:05 हुआ, ना तो वहाँ पर कोई जाला था, ना वहाँ कोई सैनिक थे, और वह राजा जो है वो मगर बन गया और पंडित जी को पकड़ करके ले गया कि चलिए पंडित जी आपका समय समाप्त हो चुका है। तो मित्रों, यह हमें यही प्रेरणा देती है कि हम कितना भी कुछ भी प्रयास कर लें, लेकिन हम अजर अमर नहीं हो सकते हैं। जिस भी चीज़ से हमारी मृत्यु लिखी हुई है या जिस संदर्भ से हमारी मृत्यु लिखी हुई है, आपने कभी सोचा होगा कि ऐसा कभी कोई भी व्यक्ति की मौत नहीं होती कि बैठा और ख़त्म हो गया, उसमें भी कोई ना कोई निमित्त लग जाता है कि साइलेंट हार्ट अटैक हो गया। मृत्यु जब भी आती है कोई ना कोई बहाना लेकर के आती है। तो मृत्यु
अटल सत्य है, इसे हमें स्वीकार करना चाहिए। और इसके बारे में हमें, यदि जो व्यक्ति उसकी निरंतर सोचता है कि एक दिन मुझे जाना है और परमात्मा ने मुझे जिस निमित्त भेजा है, तो क्यों ना मैं अच्छे कार्य करूं, तो फिर वो व्यक्ति कभी बुरे कार्य नहीं कर सकता, वो हमेशा अच्छे ही कार्य करेगा। इसलिए हमेशा जीवन में हमें यह याद रखना चाहिए कि यह जीवन क्षणिक मात्र है, क्षण भंगुर मात्र है, एक न एक दिन सभी को जाना है। किसी ने बड़ा प्यारा से छंद लिखा है, मुझे याद आ गया, आपसे शेयर करता हूँ कि क्षण भंगुर जीवन की कलियां, कल प्रात समय में खिली न खिली, मल्यागिर की सुचि शीतल मंद सुगंध समीर बही न बही, कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्रत चोट झिली न झिली, भजले हरि नाम अरि रसना फिर अंत समय में हिली न हिली। इसलिए मित्रों, अच्छे कर्मों को करते चले जाएं और ईश्वर का भजन करें, क्या पता अंत समय में आप ईश्वर का स्मरण कर पाए या नहीं कर पाए, आपकी जिभ्या हिल पाई या नहीं हिल पाई। इसलिए जो चीज़ सत्य है उसे स्वीकारें, और जिस दिन आपने उसे स्वीकार लिया तो फिर आप अपने जीवन में कभी कोई गलत कार्य नहीं कर पाएंगे। आशा है मित्रों आपको मेरा यह प्रसंग पसंद आया होगा, और आपने यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, और मेरी बातें यदि आपको अच्छी लगती हैं, मेरे उपाय आपको अच्छे लगते हैं, तो आप अपने इष्ट मित्रों को शेयर जरूर करें और हमें अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री की कृपा आप लोगों के ऊपर हमेशा इसी प्रकार बनी रहे, किसी प्रकार की कोई भी समस्याएं आपके जीवन में ना आए। मैं इन्हीं बातों के साथ में आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। ओम।